अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर। इनफैक्ट ये हफ़्ता एक हफ़्ते पर मबनी, ये वीडियो एक हफ़्ते पर मबनी नहीं है, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर ये वीडियो 15 दिन पर मबनी है। मतलब 5 जनवरी से जितने भी इवेंट सो ऑन सोलर सिस्टम में होंगे 18 जनवरी तक, वो सब इसी में मैं बयान करूँगा। और हैं भी मेजर इवेंट्स, समझने की ज़रूरत है। कैंसेरियन, आपका रूलिंग प्लैनेट मून एंड द फ्यूल टुवर्ड योर नेचर एंड टुवर्ड योर इमोशंस इस हफ्ते ग्रहण में जाएगा। और ग्रहण का असर इसलिए आप पर थोड़ा सा शदीद होगा या ज़्यादा होगा कि आपके वो फर्स्ट हाउस में भी है। एक तो चांद को ही ग्रहण, वो आपका रूलिंग, और दूसरा आपके फर्स्ट हाउस में है, तो वो आपके नेचर पर कुछ इम्पैक्ट डालेगा। कुछ उदासी, ग्लूमीनेस, रिलेशनशिप में ठहराव या रिवर्स होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि जिससे आप बहुत मोहब्बत कर रहे हों या एक्सपेक्ट कर रहे हों कि वो आपसे कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स दिखाए, तो वहाँ कुछ स्लो डाउन हो सकती हैं चीज़ें। बट ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल इस्तलाह है कि ग्रहण अगर फर्स्ट हाउस में हो, रूलिंग प्लैनेट को हो, तो प्रॉब्लमेटिक होता है। बट मजहबी तौर पर इसका बहुत अच्छा सलूशन है, वो एंड पर मैं बयान करूँगा। ग्रहण की थोड़ी तफसील बयान कर दूँ एंड देन फिर वीनस एंड मरकरी जो भी चेंजेस ला रहे हैं वो भी तफसील बयान करता हूँ। ग्रहण पाकिस्तान में कराची में रात 10:09 पर शुरू होगा। 4 घंटे का ग्रहण है, तकरीबन 2:14 तक चलेगा। जो तरतीब है वो आप मेरी जो पिछली ग्रहण की वीडियोस हैं उसी में, नमाज कसूफ व खसूफ के तरीके भी हैं एंड वो तो पढ़ना ही है। 2 नफल नमाज जितनी लंबी 10:07 से शुरू करके सो ऑन पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़िए। अस्तगफार भी करिए और अल्लाह ताला की किबरियाई, और जब आप अस्तगफार करेंगे तो उससे उस एक मदद भी तलब करिए। लेकिन उसके बावजूद ये जहन में रखिए कि जो चीज़ें भी सोलर सिस्टम में हो रही हैं उनकी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब इतनी इन्फॉर्मेशन ग्रहणों से रिलेटेड इकट्ठी कर ली है कि अब उसके बारे में ज़्यादा राय देना सिर्फ एक वक्त का ज़िया होगा। अब आते हैं दीगर प्लैनेटरी पोजीशन की तरफ। वीनस आपके यहाँ नेगेटिव पोजीशन से निकलकर बहुत अच्छी पोजीशन पर आने लगा है। ये बहुत हद तक आपकी रिलेशन सेटिस्फैक्शन की वजह बनेगा। ये आपके 9th हाउस में इंटर हो जाएगा 14 जनवरी को। 9th हाउस की वीनस की पोजीशन पसंद की शादी के लिए बहुत अच्छी है, और कामयाब शादी के लिए बहुत अच्छी है, और शादी का इवेंट्स रखने के लिए बहुत अच्छी है। इब्तदाई कुछ दिन, तकरीबन 10 दिन चांद ग्रहण की वजह से थोड़े स्लो हो जाएंगे, तो 20 जनवरी तक मोहतात रहिए। रिलेशनशिप प्रपोजल्स, मंगनी, निकाह या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जिसमें लव वंस के साथ जो आपका बिहेवियर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन उसके बाद वीनस अपने जौहर दिखाएगा 20 तारीख के बाद 9वें घर में, आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। एंड 9वें घर में कैंसेरियंस के लिए वीनस उनकी पब्लिक इमेज को भी अच्छा कर देगा, उनके अंदर आइडियाज़ को भी बेहतर कर देगा, उन्हें खाने पीने में भी दिलचस्पी आने लगेगी, सैर सियाहत में भी दिल लगेगा, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए भी खुशी महसूस होगी, और ओवरसीज़ एजेंडाज भी फुलफिल होंगे। मरकरी की पोजीशन थोड़ी सी गैर मुस्तहकम होगी। मरकरी आपके यहाँ पहले 7th हाउस में था, अच्छी फॉर्म में था। 7th हाउस में मरकरी की पोजीशन हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, पार्टनरशिप्स के कारोबार के लिए बहुत अच्छी थी। अब वो 8वें घर में जाएगा, और 8th हाउस में अगर मरकरी हो तो डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए आपको इंतहाई एहतियात बरतना होगी। इवन जो बहुत क्लोज और बहुत ही एतमाद वाले लोग हैं, ज़रूर उनके साथ डील्स करिए, ज़रूर उनके साथ बैठिए, डॉक्यूमेंट साइन करिए, बट क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए। ये अब्राहम लिंकन का फार्मूला था, आई होप के आई ट्रस्ट यू बट आई विल चेक यू। मैं तुम पर एतमाद करता हूँ लेकिन मैं फिर भी चेक करूँगा। तो रूल बहुत अच्छा है कि एतमाद करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चेक कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं।
एंड मरकरी की पोजीशन आठवें घर में लर्निंग कैपेसिटी को थोड़ा स्लो डाउन करेगी, थोड़े ख्वाब भी उलझे हुए आएंगे, रिश्तों को भी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लोग भी बिहेवियर कंप्लेनिंग रखेंगे आपकी तरफ, ऐसा मालूम होगा जैसे हर ही आदमी को कैंसेरियन से शिकायत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कैंसेरियन का टैकलिंग सिस्टम जो मुआशरे को, जो रिलेशंस को, जो कैरियर को मैच करने का और उससे फ़ायदा उठाने का जो सिस्टम है उनके माइंड में और उनकी सोल में, वो बड़ा ही गैर में, एक तो उनमें लचक बहुत होती, सब्र बहुत होता है, सेक्रीफाइसिंग नेचर बहुत उमदा है, तो वो संभाल जाएंगे। और एक अदरवाइज मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि आपका यूरेनस 12 जनवरी को 2020 में पहली दफ़ा डायरेक्ट हो जाएगा, 2019 से ही आपके 11th हाउस में है। और मैं ये बात जब यूरेनस की खबरें सुनाया करता था हमेशा ही कहता था कि यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी एक हाउस में 7 साल गुजारता है। 2019 में अप्रैल के महीने में ये आपके 11th हाउस में इंटर हुआ था और इंटर होने के कुछ ही हफ्तों के बाद ये रेट्रोग्रेड हो गया था। अब 12 जनवरी को ये डायरेक्ट हो जाएगा एंड दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सडन गेन्स। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए कैंसेरियन के लिए 12 तारीख के बाद बहुत उमदा टाइम है, कॉम्पिटिशन्स को विन करने के लिए बहुत उमदा टाइम है, रिवॉर्ड्स हाई लेवल पर जाएंगे। ये जाए कि आपका सैटर्न आपके 7th हाउस में, सैटर्न 7th हाउस में अच्छा है, बुरा नहीं है, जुपिटर भी 7th हाउस में अच्छा है, बुरा नहीं है, बट अभी थोड़े से दोनों का इकट्ठा होना कुछ कंप्लेंस पैदा कर सकता है, बट यूरेनस 12 तारीख को जब पॉजिटिव होगा तो वो सैटर्न एंड जुपिटर की कंप्लेंस भी बहुत हद तक नीचे चली जाएंगी एंड यू आर ऑन योर बेस्ट। एक बस छोटी सी बात जो समझने के लिए है कि यूरेनस 11th हाउस में जो लोग 80 साल से कम उम्र हैं उन्हें पहली दफ़ा मिला है, पहली दफ़ा, क्योंकि आज से 84 ईयर्स पहले ये आपके 11th हाउस में आया था और अब आया है और आखिरी दफ़ा आया है, इसके बाद 84 ईयर्स के बाद ही आएगा, तो इसको ज़रूर यूज़ करिए, अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलें और तबीयत उधर ना भी जाती हो, आपको लगे कि वो मेरी फील्ड नहीं है, तब भी यूरेनस के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे एक दफ़ा टैकल करने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल, ये 14 दिन के ऐसे इवेंट्स थे जिसमें वीनस, जिसमें चांद ग्रहण, जिसमें मरकरी का घर बदलना और जिसमें यूरेनस का डायरेक्ट होना, ये 4 बड़ी खबरें थी। इन 4 बड़ी खबरों का ताल्लुक स्टूडेंट्स से था, लव सेक्टर से था, कंपटीशन से था, इनामी स्कीमों से फ़ायदा हासिल करने से था एंड आपके रूलिंग प्लैनेट को ग्रहण होने जा रहा है तो थोड़ा सा आपकी नेचर से था। उम्मीद करता हूँ मेरी इन रिसर्चेस के इवज़ आप अपने अगले 14 दिन के फैसले अच्छे अंदाज से लेंगे, और अगर मेरी ये रिसर्चेस आपकी ज़िंदगी में ज़रा से भी काम की हैं, कुछ आपकी मालूमात में इजाफा करने में इन्होंने मदद की हो, आपके कुछ गम दूर करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट कर दी हो, या आपकी खुशियों के हसूल के लिए इस मालूमात ने कोई अपना रोल अदा किया हो, तो मुझे और मेरी पूरी टीम को जो ये सारे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है, रिकॉर्ड करती है, एडिट करती है, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके गैजेट्स तक पहुंचाती है, उसके लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखरत के लिए बहुत कीमती सरमाया, और आपकी मोहब्बत जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें मिलती है, जो लाइक्स एंड कमेंट्स की सूरत में हमें मिलती है, वो हमारी करेज, ऐसी करेज के ना गर्मी हमें महसूस होती है ना सर्दी महसूस होती है, और आपकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए लगातार वीडियोस आपके लिए बनाता हूं। अगर आपकी मोहब्बत लगातार रही तो हमारी रिसर्चेस भी लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी। अगले हफ्ते सूरज अपना घर बदलेगा, मेजर प्लैनेट है, बहुत बड़ी और विजिबल चेंजेस लाता है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, मतलब वो 20 तारीख को अपना घर बदलेगा और नेक्स्ट वीडियो उससे पहले आपको मिल जाएगी, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर क्या होगा, आपके मामलात पर क्या होगा, आपके रिश्तों पर कैसा होगा, आपके कैरियर पर कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी पर कैसा होगा, आपकी हेल्थ पर कैसा होगा, ये अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।